Krishna, Krishna, Hare, Hare,
వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతాపదమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగరజాతాం సాగరనారవనాథాముదం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనాసహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాన్ సరంగా శ్రీ విశాఖామృతాం నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపేషాభూతరే శ్రీమతే భక్తివిదాన స్వామి నామనే నమస్తే సరస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారణే నిర్విశేషి పాశ్చాద్యస్థాన్ వాంఛా కల్పతురు వైశా కృపా సింధు పరితనాం పావన వైష్ణవ నమో నమః నమో మహావదన్నాయ కృష్ణ ప్రేమపదాయ కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ నమః హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనమంది వైపతే గోప్సా గోపిక కంట రాధాకంఠే సతుగాన్ చంద్ గౌరాంగి శ్రీరాధే వృందావన శ్రీ విశ్వాన్ శ్రీ దేవి ప్రణామి హరి నీలాచార్య ఆసాయన పరమాత్మని భగవద్భ్యాం జగన్నాథాయ నమ జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైతుల హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. తో హమ్ లోగ దసవా చాప్టర్ డిస్కస్ కర్ రహే థే హమారే క్లాసెస్ మే. तो हम लोगों ने 18 नंबर श्लोक तक लास्ट टाइम कर लिया था. अभी 18 नंबर श्लोक से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. आप तो 19 नंबर श्लोक से जब अर्जुन अपनी प्रार्थनाएं करता है तो हमने देखा था कैसे भगवान चतुर्श्लोकी भगवद गीता बोलते हैं. श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11 में उसको सुन के अर्जुन एकदम प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होने की वजह से वो कृष्ण की अलग अलग प्रार्थनाओं द्वारा प्रशंसा करता है और फिर इच्छा व्यक्त करता है कि हे भगवान, मैं आपकी दिव्य विभूतियों के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बारे में सुनने से मुझे ऐसा अनुभव होता है, मान लीजिए मेरे कान में किसी ने अमृत डाल दिया हो. इसलिए आपकी अमृतवाणी को सुनने के लिए मैं आपकी विभूतियों को विस्तार से जानना चाहता हूँ. क्योंकि हालांकि कृष्ण भगवान पहले ही बोलते हैं 8वें श्लोक में, अहम सर्व से प्रभु, क्योंकि सब कुछ मुझसे ही निकला हुआ है. तो वो बोलते हैं ठीक है, सब कुछ आपसे निकला है, लेकिन उसके मैं कुछ उदाहरण सुनना चाहता हूँ, क्योंकि उस उन उदाहरणों को सुनने से मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है. तो इस तरह से अर्जुन आग्रह करता है. दूसरा कारण उसका आग्रह करने का ये था कि जब हम को किसी व्यक्ति की महानता के बारे में पता होता है तब हम क्या करते हैं, तब हमारे मन में उसके प्रति विश्वास, श्रद्धा, सम्मान उत्पन्न होता है और फिर हम उसकी सेवा करने के लिए इच्छुक होते हैं. अन्यथा इस संसार में लोग सामान्यतः एक दूसरे की सेवा नहीं करना चाहते, भले वो बोलते कुछ भी है. जैसे एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि ये जो चुनाव होने वाले हैं ये कितने चरण में होंगे. तो एक व्यक्ति ने उत्तर दिया
अरे भाई सारे चुनाव दो ही चरण में होते हैं। पहले चरण में नेता जनता के चरण पकड़ता है, और दूसरे चरण में जनता, जो चुनाव के बाद की बात है, चुनाव जीतने के बाद में जनता नेता की चरण पकड़ती है कि हमारा काम करा दिया, हमारा काम करा दीजिए। तो चुनाव के पहले नेता जनता चरण पकड़ता है, क्यों, उसको वोट चाहिए। और चुनाव के दूसरे चरण में जनता नेता का पैर पकड़ती है कि हमारा काम करवा दीजिए। तो इस तरह से साधारणता, लोग भले ही बोलते हैं जनता जनार्दन, अलग अलग शब्दों का उपयोग करके रखा हुआ है कि जनता ही सब कुछ है, नेता ऐसा बोलता है कि हम सेवा कर, सेवा भाव से यहाँ पे आए हैं, लेकिन साधारणता उतना सेवा भाव देखा नहीं जाता है। सेवा भाव तब उत्पन्न होता है जब आपका एक व्यक्ति के प्रति प्रेम है और वो व्यक्ति महान है, तब आप उसके सेवक बनना चाहते हैं। जैसे आजकल दुनिया में लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ, तो मालिक नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि मालिक दुनिया का सबसे रईस आदमी है, तो उसी कंपनी में काम करते हुए लोगों को गर्व महसूस होता है। या मैं फेसबुक में काम कंपनी में काम करता हूँ, क्योंकि तो फेसबुक का मालिक जो है वो बहुत रईस है। तो इस तरह से लोग किसी रईस व्यक्ति का की सेवा करते हैं तो अपने आप को बड़ा सम्मानीय समझते हैं कि हम सम्मान के हो गए, क्योंकि तो हम बहुत अच्छे व्यक्ति का की सेवा कर रहे हैं। तो उसी तरह से सब लोग बोलते जरूर हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन भगवान कैसे भगवान है ये समझना भी अत्यंत आवश्यक है, या भगवान होने का मतलब क्या है ये समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे, लोग जब बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, बट दे डोंट नो हाउ ग्रेट गॉड इज। तो उनको लोगों को पता, लोग बोलते हैं कि भगवान महान है, लेकिन कितने महान है भगवान ये लोगों को पता नहीं है, और ये कोई अपने आप से जान नहीं सकता है। तो ये कौन बता सकता है, ये भगवान ही बता सकते हैं कि वो कितने महान है। तो अभी भगवान स्वयं बताने जा रहे हैं कि उनकी विभूतियों को हमें संसार में कैसे देख सकते हैं, जिससे हमको एक अनुमान लगेगा कि भगवान कितने महान है। तो चालू करते हैं हम लोग 19 नंबर श्लोक से। श्री भगवान वाचा हंत ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्रधान्यता कुरु श्रेष्ठा नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। तो भगवान बोलते हैं हंत, हंत मतलब हाँ। भगवान बोलते हैं हाँ, कथयस्यामि दिव्या ही आत्मविभूतया, तो मेरी जो विभूति हैं, आत्मविभूतिया मेरी विभूतियां हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कौन सी विभूतियों के बारे में बताऊंगा, प्रधान्यता सिर्फ मुख्य मुख के बारे में बताऊंगा। क्यों, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ ना अस्ति अंत विस्तर समय, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है। भौतिक सृष्टि में इतने सारे ब्रह्मांड हैं जिनको आप, जिनकी आप गणना नहीं कर सकते हैं, इतने सारे ब्रह्मांड हैं। और हर ब्रह्मांड में कृष्ण की विभूतियां सब जगह सर्वव्याप्त है। तो जब ब्रह्मांड को, ब्रह्मांडों की गणना करना संभव नहीं है, तो हर ब्रह्मांड के अंदर जो विभूतियां होंगी गणना करना कैसे संभव है। तो इस तरह से कृष्ण की विभूतियों को गिनना असंभव है। कृष्ण नहीं बोल रहे, मैं क्या क्या बताऊंगा अपनी विभूति के बारे में, इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ मुख्य विभूतियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उससे क्या होगा, उनको सुनने से व्यक्ति के मन में कृष्ण की सेवा करने का भाव जागृत होगा। तो फिर भगवान चालू करते हैं, अहम आत्मा गुणा केशा सर्वभूता सा यस्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूता नाम अंत एव च। तो भगवान बोलते अहम आत्मा गुणा केशा, तो हे गुणा केश मैं सारे जीवों के हृदय में स्थित, क्या हूं, उनका परमात्मा हूं।
मैं परमात्मा रूप में हर किसी के हृदय में विराजमान हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति के अंदर विभूति आती है वो किसके कारण आती है? वो भगवान के कारण नहीं आती। तो जीव तो है आध्यात्मिक, और ये पूरी संसार की जो सृष्टि है वो कैसी है? भौतिक। तो भौतिक जगत एक जीव को आकर्षित नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए हर साल हम लोगों की कोई ना कोई वो बनती है मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड, तो मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड एक पुरुष के लिए बहुत आकर्षक हो सकती है जो कि मानव है। तो हो सकता है वो लोग देखने के लिए खड़े हो जाएंगे, भाई मिस वर्ल्ड कौन है, मिस यूनिवर्स कौन है। लेकिन अगर आपके कॉलोनी का एक कॉकरोच भी बाहर निकलेगा तो वो कॉकरोच भी उस मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड की ओर आकर्षित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तो व्यक्ति मात्र अपनी जो जाति है या फिर योनि है उसकी ओर आकर्षित होता है। मतलब मनुष्य लोग मनुष्य की ओर आकर्षित होते हैं, जो कछुए हैं कछुए की ओर आकर्षित होते हैं, मछली मछली की ओर आकर्षित होती है, कॉकरोच कॉकरोच की ओर आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से लोग जनरली जिस कैटेगरी में आते हैं, जिस स्पीसीज में आते हैं, जिस जाति में आते हैं, उसी की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। सबकी ओर आकर्षित नहीं होते। तो इसलिए जो आत्मा है, आत्मा तो आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक आत्मा एक भौतिक पदार्थों के प्रति कैसे आकर्षित हो सकती है? तो वो संभव नहीं है। लेकिन जब परमात्मा हर जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं, जो कि शरीर भी किसका बना है? भौतिक पदार्थों का ही बना हुआ है, किंतु उसमें जब आत्मा और परमात्मा प्रवेश करते हैं तो परमात्मा के कारण कुछ कुछ विभूतियां उस व्यक्ति के शरीर से बाहर दिखाई पड़ती है। इसीलिए लोग इन भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं, आत्मा इन भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होती है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा की विभूतियां हैं अनंत, किंतु उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ छोटा सा अंश वो जीव से दिखाई पड़ता है। और आश्चर्य की बात है, वो छोटा सा अंश ही व्यक्ति को इतना आकर्षित कर लेता है कि कभी कभी लोग पागल हो जाते हैं। ये तो आपने बहुत फेमस बात सुनी होगी कि कोई लड़की है, उसके पीछे लड़का एकदम पागल हो जाता है, लड़की मना करती रहती है, फिर वो पीछे भागता रहता है भागता रहता है। तो उसका जो सौंदर्य है वो कृष्ण का के सौंदर्य का अंश मात्र है, फिर भी लोग इतने पागल हो जाते हैं। तो उससे हम समझ सकते हैं कृष्ण कितने आकर्षक होंगे। या फिर किसी कंपनी में घुसने के लिए लोग पागलों की तरह काम करते हैं क्योंकि तो वो व्यक्ति इतना धनवान है, और कृष्ण जो सारी संपत्ति के मालिक हैं वो कितने आकर्षक होंगे, ये हम सोच सकते हैं। तो इस तरह से परमात्मा क्योंकि हर जीव के हृदय में विराजमान होते हैं, तो जीव कैसा हो जाता है? आकर्षक हो जाता है। इसलिए लोग जीवित व्यक्ति पर प्रति आकर्षित होते हैं, मृत शरीर के प्रति आकर्षित नहीं होते। फिर भगवान क्या बोलते हैं? अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंते च। तो मैं सारे जीवों का क्या हूं? आदि मध्य और अंत। आदि मध्य और अंत होने का मतलब क्या है? भगवान बोलते हैं कि भगवान के जब समय के रूप में आते हैं, काल के रूप में आते हैं, उन्हीं के कारण क्या होता है? काल चक्र के अनुसार हमको एक शरीर मिलता है, वो समीर शरीर कुछ समय तक रहता है, हर क्षण परिवर्तन होता रहता है उसका, और फिर क्या होता है? उसका अंत भी हो जाता है। तो इस तरह से काल चक्र के कारण ये संसार परिवर्तनशील है और हर जीव का शरीर परिवर्तनशील है। हम चाहते हुए भी अपनी आयु को नहीं रोक सकते। भले आप झंडू का केसरी जीवन खा लीजिए, हाँ लोग बोलते हैं कि आप बुढ़ापे से उससे जवानी आने लगती है अगर आप झंडू का केसरी जीवन खा रहे हैं, लेकिन जो पूरे पहले हमारा जो शरीर चला गया वो कभी वापस नहीं आता है। कितना भी व्यक्ति हायर डाई क्यों ना लगा ले, बुढ़ापा नहीं रुकता है। तो भले दिखाने देखने में सफेद बाल काले हो जाते हैं, परंतु बुढ़ापा नहीं रुकता है।
तो हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले हमारी आयु नहीं रुकती है, क्योंकि भगवान काल रूप में क्या करते हैं, हमको एक शरीर देते हैं, प्रदान करते हैं, तो आदि है, फिर वो शरीर बदलता रहता है हर क्षण, और अंत काल के समय क्या होता है, वो शरीर हमसे हमको छोड़ के चला जाता है, या हम शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि काल रूप में वही हर जीव के आदि है, मध्य है और अंत है, उसी तरह से वो भी सृष्टि के आदि है। सृष्टि के आदि होने का मतलब क्या है, इस सृष्टि के पहले कौन था, एक नारायणो आसीत, भगवान नारायण ही थे। सृष्टि के अंत के बाद कौन रह जाएंगे, भगवान नारायण ही रह जाएंगे, और उसके मेंटेनर कौन है सृष्टि के, वो भगवान नारायण ही है। तो इस तरह से भगवान हर सृष्टि के आदि हैं, मध्य हैं, अंत हैं। ये ही देवताओं में और भगवान में अंतर है। जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तब महाविष्णु प्रकृति की ओर दृष्टिपात करते हैं, और तब शिव प्रकट होते हैं, उसके पहले शिव अप्रकट थे, तो भगवान विष्णु ही शिव के रूप में विस्तार करते हैं, और उसके बाद अन्य देवता आते हैं। इस तरह से सृष्टि के पहले अन्य देवता नहीं थे, कौन थे, मात्र नारायण ही थे। जब सृष्टि का विध्वंस होता है उसके बाद क्या हो जाता है, फिर वो जो देवतागण है वो अदृश्य हो जाते हैं, या अप्रकट बोलते हैं, तो अप्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह से नारायण सृष्टि के परे हैं, इसलिए सृष्टि के पहले भी रहते हैं, मध्य में भी रहते हैं, अंत के बाद भी रहते हैं। इस तरह से भगवान कौन है, सृष्टि के आदि हैं, मध्य हैं, अंत हैं, तो हमारे भी आदि, मध्य और अंत हैं। तो ये भगवान समझाते हैं 20 नंबर श्लोक में। फिर अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविर आ अंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। तो भगवान बोलते हैं आदित्यों में मैं कौन हूं, विष्णु हूं। तो हर महीने में सूर्य के अलग अलग नाम दिए गए हैं, और उसमें से एक जो नाम है, तो द्वादश आदित्य होते हैं 12, उसमें से एक नाम है विष्णु। तो भगवान बोलते हैं आदित्यों में मैं कौन हूं, विष्णु। या फिर कुछ पुराणों में लिखा हुआ है कि अलग अलग व्यक्ति क्या करते हैं, सूर्य के रथ पर सवार होके पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाते हैं, तो उसमें से भगवान बोलते हैं मैं विष्णु हूं। फिर जो भी चीजें ज्योति देने वाली हैं, ज्योतिषाम ज्योतिषाम रविर अंशुमान, तो जो भी चीजें हैं ज्योति देने वाली हैं, उसे भगवान बोलते हैं मैं रवि, रवि अर्थात कौन है, सूर्य हूं। तो संसार में जो भी प्रकाश आता है वो किसके कारण आता है, वो सूर्य के कारण ही आ रहा है। तो दिन में तो सूर्य से प्रकाश मिलता है, हर कोई जानता है, रात के समय वही सूर्य की जो रश्मियां हैं वो चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है, तो सर चंद्रमा की हमको वो मिलती है, रोशनी मिलती है। और तारेगण भी हैं, तारेगण चंद्रमा जैसे हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, उसका प्रूफ है, भगवान बताते हैं। तो कई लोग जो सोचते हैं कि जो तारे हैं वो सूर्य की तरह हैं, तो वो थ्योरी सही नहीं है, वो गलत है। और इसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है, तो लोग सोचते रहते हैं कि वो सूर्य की तरह है, किंतु हम शास्त्रों में समझते हैं कि वो किसकी तरह है, वो चंद्रमा की तरह है। मतलब एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, और उसी का जो प्रकाश है वो अलग अलग नक्षत्रों द्वारा, तारामंडल इत्यादि द्वारा और चंद्रमा द्वारा मिलता है। तो कोई बोलेगा लेकिन ये जो हमको ट्यूबलाइट से जो रोशनी मिल रही है, बल्ब से रोशनी मिल रही है, अग्नि से रोशनी मिल रही है, ये क्या है? तो ये भी सूर्य की ही शक्ति है जिसको स्टोर कर लिया गया है। तो सूर्य की शक्ति को पेड़ पौधे इत्यादि ग्रहण करते हैं, और वही क्या करते हैं, जब हम लकड़ी में आग को थोड़ा सा जलाते हैं, थोड़ी सी आग लगाते हैं, तो किसके रूप में आती है, अग्नि के रूप में आती है। वही जो लकड़ी है वो जब पृथ्वी के अंदर दब जाती है
तो कोयले में परिवर्तित हो जाती है और ऑयल गैस वगैरह में परिवर्तित हो जाती है जिसका हम प्रयोग करते हैं, और वही किसके रूप में आती है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में आती है। तो उस तरह से जो भी शक्ति है वो कहाँ से आती है, वो सूर्य से आती है, और भगवान बोल रहे हैं कि आदित्य ना ज्योतिषाम रविर अंशुमान, तो वो ज्योति कौन है, मैं ही हूं। और फिर भगवान बोलते हैं मरीचिर मरुताम अस्मि, तो 49 मरुद होते हैं, तो 49 मरुदों में से भगवान बोलते हैं मैं कौन हूं, मैं मरीचि हूं जो मुख्य है। तो ये 49 मरुद अलग अलग वायु दिखाते हैं, वायु के द्योतक होते हैं, और जो ट्रेडिशनल लोहार होते हैं उनको इन 49 मरुतों का प्रयोग करना आता है, क्योंकि तो वो 49 मरुतों के द्वारा 49 टेम्परेचर क्रिएट करते हैं, जिसमें आप बिना बड़ा बड़ा बिना बिना बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाए कोई भी चीज बना सकते हैं। तो जैसी भी कास्टिंग हो वो मात्र एक बेलो, जिसको बेलो कहते हैं इंग्लिश में, तो उसके प्रयोग से वो 49 तरह की वायु उत्पन्न करते हैं। तो इतने बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो 49 मरुतों के माध्यम से 49 तरह के टेम्परेचर क्रिएट करते हैं जिनसे कोई भी चीज बन सकती है ना। तो इस तरह से ये 49 मरुत है, इसमें भगवान कौन बोलते हैं, मुख हूं, कौन है, मरीचि। नक्षत्र नाम अहम शशि, और सारे नक्षत्रों में भगवान कौन बोलते हैं, मैं चंद्रमा हूं। तो नक्षत्र का मतलब होता है तारा, तारे, तारामंडल। इससे सिद्ध होता है कि जो तारामंडल है सबके सब चंद्रमा जैसे हैं, मतलब स्वयं का इनका प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये भगवान समझाते हैं, फिर वो बोलते हैं वेदानाम साम वेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। तो भगवान बोलते हैं वेदानाम साम वेद अस्मि, तो वेदों में सामवेद हूं। और सामवेद को यहाँ क्यों बोला गया है, क्योंकि सामवेद में भगवान विष्णु की प्रशंसा बहुत अच्छे से दी हुई है। कहते हैं गरुण जी जब अपने पंखों को फहराते हैं, मतलब उसको फड़काते हैं पंखों को, तो उसमें से सामवेद की ध्वनि निकलती है, नारायणाय पुरुषम नमामि नारायणाय, तो इस तरह से वायु निकलती है, आवाज निकलती है जब गरुण जी अपने पंखों को फड़काते हैं। तो इस तरह से वेदों में भगवान कह रहे हैं कि मैं सामवेद हूं, देवानाम अस्मि वासवः। तो सारे देवों में कौन हूं, मैं इंद्र हूं। वासवा का मतलब है उनका राजा, तो मैं सारे देवता में कौन हूं, इंद्र हूं। और इंद्र बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, भले हम लोग टीवी वगैरह सीरियल में दिखाते हैं कई बार कि इतना शक्तिशाली नहीं है, किंतु वो भी काफी शक्तिशाली है, भगवान के सामने कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बहुत शक्तिशाली है। अगर आप सामवेद पढ़ेंगे तो सुन के लगता है कि जैसे इंद्र ही भगवान है। तो सारे के सारे जो देवी देवता हैं, गण हैं, वो सब इंद्र के अधीन है। तो भगवान बोलते हैं सारे देवताओं में मैं कौन हूँ, इंद्र हूँ। और इंद्रिया नाम मनस्ता अस्मि, सारे इंद्रियों में भगवान बोलते हैं कि मैं मन हूं, क्योंकि सारी इंद्रियां मन पर केंद्रित है। तो इंद्रियां ये 5 उंगली की तरह हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा, और ये जो हथेली है ये मन की तरह है। तो इस तरह से ये जो 5ों इंद्रियां हैं ये मन पर केंद्रित हैं। मन पर केंद्रित होने का मतलब क्या है, अगर आप कुछ देख रहे हैं तो जो देख रहे हैं
उसका एक्सपीरियंस कहाँ स्टोर होगा, वो मन में होगा। कुछ सुन रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस कहाँ स्टोर होगा, वो भी मन में होगा। कुछ चख रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी कहाँ स्टोर होगा, मन में स्टोर होगा। और मन क्या करता है, उनको इकट्ठा भी करता है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ काला काला दिखाई दे रहा है जो कि किसी द्रव्य पदार्थ में तैर रहा है, तो मन में उसका स्टोर होता है एक्सपीरियंस कि बहुत ज्यादा काला है मतलब गुलाब जामुन हो सकता है, जो जिसमें तैरा लग रहा है वो चाशनी है, और जब उसको चखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो ये सारे के सारे जो एक्सपीरियंस वो कहाँ स्टोर होते हैं, सबके सब मन में होते हैं। इसलिए मन को इंद्रियों का राजा कहा जाता है। इसलिए अगर मन केंद्रित है तो सारी इंद्रियां अपने आप ही कैसी हो जाती हैं, या मन कंट्रोल में है तो सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में हो जाती हैं। यदि मन में नियंत्रण प्राप्त कर लिया मतलब सारी इंद्रियों में नियंत्रण प्राप्त हो गया। तो तरह से भगवान बोलते हैं इंद्रियों में मैं कौन हूं, मन हूं। भूतानाम अस्मि चेतना, सारे जीवों में क्या हूं, मैं उनकी चेतना हूं। तो शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, हष्ट पुष्ट क्यों ना हो, इस संसार के सबसे स्वस्थ व्यक्ति का शरीर क्यों ना हो, लेकिन वो व्यक्ति अगर चेतन नहीं है, उसके अंदर चेतना नहीं है शरीर के अंदर, तो वो शरीर कैसा है, एकदम बेकार है। दूसरे से भगवान ये बोलते हैं। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, रुद्राणां शंकरश्चास्मि वेत्तो यक्ष राक्षसाम वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। तो भगवान बोलते हैं रुद्राणाम शंकरस्यास्मि, तो इस तरह से 11 रुद्र भी होते हैं, तो उन रुद्र में भगवान कौन बोलते हैं, मैं शिव हूं। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर रुद्र बनने की बहुत इच्छा होती है, तो कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में भगवान उसको रुद्र की पदवी भी दे सकते हैं। किंतु जो शिव जी हैं, शिव जी कोई भी जीव शिव नहीं बन सकता है। तो जीव के अधिक से अधिक 50 गुण होते हैं, भगवान नारायण के 60 गुण होते हैं, कृष्ण के 64 गुण होते हैं, और शिव के 55 गुण होते हैं। तो इस तरह से कोई भी जीव शिव नहीं बन सकता है, नारायण नहीं बन सकता है, कृष्ण नहीं बन सकता है, तो वो उसके लिए संभव नहीं है। तो उस तरह से बाकी रुद्र हो सकता है जीव हो, लेकिन शंकर नहीं बन सकते हैं वो। तो इसलिए भगवान बोलते हैं रुद्राणाम शंकरश्च अस्मि वेत्तो यक्ष रक्षसाम। जो लोग भी वित्त की रक्षा करने वाले हैं, तो जो देवताओं का जो वित्त है उसके कोषाध्यक्ष हैं कुबेर। तो सारे यक्षों और राक्षसों में भगवान बोलते हैं कि मैं धन का देवता कुबेर हूं। फिर वसु नाम पावकश्च अस्मि, उस तरह से 8 वसु होते हैं, उसमें भगवान बोलते हैं मैं पावक हूं, मतलब जो अग्नि है, तो उसमें से मैं अग्निदेव हूं। मेरु शिखरि नाम अहम्, तो जो भी शिखर को धारण करने वाले बड़े बड़े पर्वत है उसमें भगवान बोलते हैं मैं मेरु हूं, क्योंकि मेरु पर्वत के ऊपर ही देवताओं लोक के अलग अलग स्थान है रहने के, और वो सबसे ऊंचा भी है। फिर अगले श्लोक में बोलते हैं, रोधसाम चा मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंदहा सरसाम अस्मि सागरहा। तो क्रोधसाम चा मुख्या माम, तो जो भी पुजारी हैं ना उसमें मैं मुख्य पुजारी हूं, और वो पुजारी कौन है, बृहस्पतिम बृहस्पति।
तो जी जो भी बड़े बड़े पुजारी हो वो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं उसमें मैं कौन हूँ, बृहस्पति हूँ। क्योंकि जो भी पुजारी लोग हैं उनके पास बहुत विद्या हो सकती है, अलग अलग वो यज्ञ यज्ञ संपन्न कर सकते हैं, किंतु उतना ज्ञान नहीं है जितना बृहस्पति के पास है। इसलिए देवता लोग बृहस्पति के द्वारा यज्ञ करवाते हैं। हाँ, तो उसमें वो कौन बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मैं बृहस्पति हूँ। और सेनानी नाम अहम स्कंदः, और जो भी लोग सेना अध्यक्ष हैं उन सेना अध्यक्षों में मैं कौन हूँ, स्कंद। स्कंद का मतलब कौन है, कार्तिकेय। तो स्कंद कार्तिकेय का एक नाम है, तो पूरा उसके ऊपर एक पुराण है जिसको स्कंद पुराण कहते हैं, जिसमें कार्तिकेय के जन्म के बारे में बताया हुआ है। कैसे सती जब दक्ष यक्ष में जल जाती हैं या फिर अपना शरीर त्याग कर देती हैं, तो ये लंबी कथा है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं। तो एक कथा पुराणों में आती है, वो कथा इस तरह से है कि जब भगवान राम सीता माता को यहाँ वहाँ खोज रहे थे, तो विलाप कर रहे थे, सारे पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, मेरी सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, सीता को वापस दिला दो। पक्षियों से पूछ रहे थे, तुमने क्या मेरी सीता को देखा है। तो वो माया देवी जो सबको मोहित करती हैं और जो सती के रूप में भगवान शिव के साथ रहती हैं, वो ही भगवान राम की माया को देख के मोहित हो जाती हैं। वो कहती हैं कि आप इनका नाम लेते हैं, शिव जी से कहती हैं, श्री राम राम रमे थी रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्व नव राम नाम राने ने, कि भगवान राम का मैं नाम जपता रहता हूँ हे देवी, क्योंकि भगवान राम का एक नाम भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर है। उसी तरह से कृष्ण के नाम के बारे में भी आता है पुराणों में, सहस्र नाम नाम पुण्य नाम त्रिआवृत्तु यत्फलम् एकवृत्तु कृष्ण से नामिकम् प्रपद्यत प्रयच्छति। 3000 विष्णु के नाम के बराबर भगवान कृष्ण का एक नाम है। तो देवी कहती हैं, अरे आप इन राम की पूजा करते हैं, ये राम तो इतने ज्यादा मेरी माया से मोहित हैं कि अपनी पत्नी की प्रति आसक्ति छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और आसक्ति व्यक्ति हमने देखे हैं, पर ऐसे आसक्ति व्यक्ति नहीं देखेंगे कि पेड़ पौधों से पूछे जा रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। तो उस तरह से वो थोड़ा सा भ्रमित हो जाती हैं और भगवान राम की प्रतीक्षा लेने के लिए परीक्षा लेने के लिए आती है। तो वो सीता का भेष बना के भगवान राम के समक्ष जाती है, और भगवान राम जैसे देखते हैं, भगवान राम कहते हैं कि हे माता, आप अकेले आई हैं, शिव जी को साथ लेके नहीं आई हैं। तो माता सती बहुत शर्मिंदा हो जाती है, वो समझ जाती है कि ये भगवान की लीला है कि भगवान यहाँ वहाँ पे विलाप कर रहे हैं। तो वो भगवान दिखा रहे हैं कि भगवान कैसे अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं। तो वो सीता जी से इतना प्रेम क्यों करते हैं, उनके भक्ति भाव के कारण। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान राम माया से ग्रसित है। तो उस समय शिव जी देखते हैं, अरे इन्होंने तो सीता का रूप धारण कर लिया है, अब मैं इनको स्पर्श कैसे कर सकता हूँ। तो उस तरह से सती जब वापस आती हैं तो शिव जी ध्यान में चले जाते हैं, और उसी समय दक्ष के इत्यादि होता है, दक्ष और शिव जी के बीच में मनमुटाव होता है। शिव जी के अंदर कोई मनमुटाव नहीं था, दक्ष क्योंकि शिव जी की महानता को नहीं समझ पा रहा था या उनकी महानता को सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो शिव जी का अपमान करने लगता है। उस अपमान को सती माता सहन नहीं कर पाती हैं बाद में जब यज्ञ होता है, तो उसका अटल डिटेल स्टोरी है, वो हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, इसकी जो कथा है। तो फिर सती वहां पे जाके अपना देह त्याग कर देती हैं, और उसी समय एक राक्षस था वो देवताओं पे आक्रमण करता है। फिर खैर दक्ष का सर कट जाता है, दक्ष को एक बकरी का सर मिलता है, फिर दक्ष को होश आता है, शिव जी से वो क्षमा याचना करता है और फिर शिव जी उसको क्षमा कर देते हैं। उसी समय एक
भयंकर असुर था जिसने देवताओं पर आक्रमण किया और उसने वरदान प्राप्त किया कि जब तक शिव जी का बेटा नहीं आएगा तो वो शिव जी का बेटा ही मेरा वध कर सकता है। और शिव जी तो यहाँ पे ध्यान में मग्न रहते थे, कई हजारों साल से ध्यान में मग्न थे, तो लोगों को पता था कि शिव जी का कोई भी तपस्या भंग नहीं कर सकता है, तो उसको लगने लगा था कि मैं अजर अमर हूँ। तो देवता लोग एक बार प्रयास करते हैं, कामदेव को भेजते हैं शिव जी को उत्तेजित करने के लिए, और कामदेव को शिव जी अपने त्रिशिरा नेत्र खोल के भस्म कर देते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से पार्वती जी, जब सती ही पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं, तब वो शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करती हैं और शिव जी सारे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मान जाते हैं शादी करने के लिए, दूसरी शादी करते हैं। लेकिन जो शिव जी का वीर था वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसको कोई ग्रहण नहीं कर पा रहा था, सब पार्वती को मना करते हैं कि आप उसके उनके वीर को ग्रहण मत कीजिए, और कौन उनका वीर सब चीजों को जलाने लगता है, तो अलग अलग लोग उसको ग्रहण करते हैं, अक्षम हो जाते हैं। फिर फाइनली उसको कौन ग्रहण करता है, उसको धरती माता ग्रहण करती है। और वीर कहाँ जाता है, अंत में कुछ स्कंदों के पास में जाता है, उसमें से एक बालक प्रकट होता है, इसको स्कंद भी कहते हैं और कार्तिकेय भी कहते हैं। और ये कार्तिकेय क्या करता है, देवताओं का मुख सेनाध्यक्ष बन के उस असुर को पराजित करता है। तो इस तरह से कार्तिकेय की कथा आती है जिसको स्कंद कहते हैं। तो कार्तिकेय इसलिए सारे सेना नायकों में सबसे ज्यादा सक्षम कहलाते हैं। तो वो भगवान बोलते हैं कि सारे सेना नायकों में मैं कौन हूँ, स्कंद हूँ। और सरसाम अस्मि सागरः, जो भी चीजें जल को धारण करती हैं, जैसे तालाब हो गया, नदी हो गई, झील हो गई, उसमें भगवान कौन बोलते हैं मैं कौन हूँ, उसमें मैं सागर हूँ, क्योंकि सागर में जितना पानी है वो कहीं और नहीं है। और फिर वो आगे बोलते हैं भगवान, महर्षीणां भृगुर अहम् गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि स्थावरणाम हिमालयः। तो भगवान बोलते हैं महर्षीणां भृगुर अहम्, सारे महर्षियों में मैं कौन हूँ, भृगु हूँ। वो क्यों कहते हैं कि सारे ऋषि भृगु को मुख मानते हैं, जिसकी पुराणों में कथा आती है कि सब लोग कंफ्यूज थे कि भगवान कौन है, इतने सारे देवी देवता हैं। तो कभी कभी ऋषिगढ़ में क्या होते हैं, जो ऋषिगढ़ भक्त नहीं होते हैं उनको भी अपनी बुद्धि समझ में नहीं आता है कई बार के कौन भगवान है। तो मात्र वेदों के पठन से कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि भगवान कौन है, भगवान की कृपा से ही हम समझ सकते हैं कि भगवान कौन है। तो इस तरह से सारे ऋषियों की जो मंडली थी वो भृगु ऋषि को चयन कर, भृगु ऋषि का चयन करते हैं कि आप सारे ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, आप ही पता लगाइए कि इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है। तो भृगु मुनि पहले जाते हैं ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं करते हैं। तो वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करना चाहिए, किंतु वो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं करते हैं। तो उस तरह से ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आता है, लेकिन ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उसको रोक लेते हैं। भृगु मुनि समझ जाते हैं कि इनको क्रोध आया, मतलब ये क्रोध के अधीन हुए हैं तो ये भगवान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे काम क्रोध लोभ ये किसके अधीन होना चाहिए, भगवान के अधीन होना चाहिए। तो इनको क्रोध आया इसका मतलब ये भगवान नहीं हो सकते हैं। तो ये आगे जाते हैं फिर भृगु मुनि, फिर वो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी जैसे ही देखते हैं कि अरे भृगु आए हैं, तुरंत उनको आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भृगु भी ब्रह्मा के पुत्र हैं और भगवान रुद्र शिव वो भी किसके पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो एक हिसाब से दोनों के दोनों भाई हुए, तो भाई होने की वजह से वो उनको आलिंगन करने के लिए आगे जाते हैं। लेकिन भृगु मुनि क्या करते हैं, उनका तिरस्कार करने लगते हैं, कहते हैं तुम जैसा व्यक्ति नहाते ना वो आलिंगन करने के योग्य नहीं है। क्यों, क्योंकि तुम तो नहाते नहीं हो कई दिनों तक, पूरे शरीर में भस्म लगा के रखते हो, हाँ तुम्हारे गले में हमेशा सांप पड़ा रहता है,
भूत प्रेत आदि सारी तुम्हारे सहपाठी है, मुंड माला पहन रखी है तुमने, कभी कभी तुम वहां पे शमशान घाट में जाते हो और बुरी तरह हंसते हो, तो तुम आलिंगन करने योग्य नहीं हो, मैं तुमको आलिंगन नहीं करूंगा। तो हालांकि शिव जी ये सारी चीजें करते हैं भूत प्रेतों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि भूत प्रेतों का उद्धार करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, लेकिन शिव जी क्योंकि करुणा के सागर हैं इसलिए वो क्या करते हैं, भूत प्रेतों को प्रचार करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं, शरीर में भस्म आदि लगा के रखते हैं। लेकिन शिव जी का भी इस बार क्या होता है, क्रोध नियंत्रण में नहीं होता है, और शिव जी भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होने के कारण क्या करते हैं, वो भृगु को मारने के लिए त्रिशूल उठा लेते हैं। तब पार्वती जी आती हैं, कहते हैं अरे भगवान क्या कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं, ब्राह्मण है भाई मत मारिए इसको। तब शिव जी को ध्यान आता है, शिव जी फिर अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं, भृगु मुनि सब उनको प्रणाम करते हैं और समझ जाते हैं कि ये भी भगवान नहीं है। फिर अंत में एक ही ऑप्शन बचता है, भगवान विष्णु, सोचते हैं इनको भी ट्राई कर ही लेते हैं। तो इस तरह से जब वो वैकुंठ जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी और वो आराम से लेटे हुए थे भगवान, और भृगु मुनि अकस्मात वहां पर अंदर प्रवेश करते हैं बिना परमिशन के और सीधे जाके भगवान विष्णु के सीने पे पैर मारते हैं, कहते मैं ब्राह्मण हूं मेरे सम्मान नहीं कर रहे हो। और उस तरह से जब वो उन पर पैर से प्रहार करते हैं उनके सीने पे, तो वो देखते हैं कि भगवान विष्णु का की प्रतिक्रिया क्या थी। भगवान विष्णु तुरंत वहां उठते हैं और भृगु मुनि के चरणों को पकड़ के उनको धीरे धीरे करके दबाने लगते हैं। कहते हैं मेरा जो हृदय है ये वज्र की तरह कठोर है और आपके जो चरण है वो कमल की तरह मुलायम है, तो मेरे हृदय पे प्रहार करके आपके चरणों में कुछ ना कुछ क्षति जरूर पहुंची होगी, तो मुझे क्षमा करिए कि मैं विश्राम करने के कारण आपका सम्मान नहीं कर पाया, लेकिन अभी मैं आपके चरणों को कम से कम दबा के उनको कुछ आनंद प्रदान करने का प्रयास करता हूँ। तो जब भृगु ने उनका की प्रतिक्रिया देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यही भगवान है, क्योंकि भगवान के अंदर क्रोध की का कुछ भी कण मात्र भी नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से वो समझ जाते हैं कि ये भगवान है। लेकिन लक्ष्मी जी वहां पे गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि जो हृदय का स्थान है भगवान विष्णु का, उसमें कौन वास करता है, उसमें लक्ष्मी जी वास करती है, तो श्रीवत्स के रूप में, श्रीवत्स का एक चिन्ह वहां होता है और लक्ष्मी जी का एक बाल होता है क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रतीक है, तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि इसलिए ब्राह्मणों को निर्धन रहते हैं। तो इस तरह से लक्ष्मी जी गुस्सा रूठ के वहां से चली जाती हैं, और भृगु मुनि को भी पता चल जाता है कि लक्ष्मी जी यहाँ से गुस्सा हो गई हैं तो हमारे सारे ब्राह्मण निर्धन रहने वाले हैं, इसलिए कहते हैं भृगु जी ने एक संहिता लिखी है, भृगु संहिता, जिसके अनुसार व्यक्ति अपने भविष्य को जान सकता है, जिसके माध्यम से सारे जो ब्राह्मण भविष्य में होंगे वो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अपना धन कमा सकते हैं। तो इस तरह से भृगु जो हैं वो महर्षियों में श्रेष्ठ कहे जाते हैं, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, महर्षि नाम भृगुराहम फिर ग्राम अस्मि एकम अक्षरम। ग्राम का मतलब है जो गिरा या फिर जीभ से निकलने वाली जो भी ध्वनियां हैं उसमें भगवान कौन बोलते हैं, मैं अक्षर, अक्षर मतलब जिसका क्षय नहीं होता है, वो कौन सी वाणी है, वो ओमकार है, जिसको प्रणाम कहते हैं ओमकार। तो उन समय भगवान क्यों बोलते हैं, मैं ओमकार हूं, क्योंकि हर मंत्र ओम से चालू होता है, तो जब तक भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का नाम ना लिया जाए अन्य देवी देवताओं का मंत्र काम नहीं करता है। लेकिन कई बार अन्य देवी देवता के जो उपासक होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो योगी होते हैं, वो कृष्ण का नाम, राम का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, मात्र भक्ति ही उसको पसंद करते हैं। तो भगवान भी बुद्धिमान है, भगवान क्या करते हैं, फिर ओमकार में विस्तार करते हैं, और ओम का उच्चारण करने में कोई भी
हिचकिचाता नहीं है। तो उस तरह से जब व्यक्ति ओमकार के द्वारा अपनी जीभ को शुद्ध करता है और कान को शुद्ध करता है, उसके बाद देवी देवताओं के मंत्र काम करते हैं। हालांकि ओमकार का उच्चारण करने के लिए व्यक्ति को आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से शुद्ध होना चाहिए। तो जो क्वालिफाइड नहीं, वो ओमकार का उच्चारण नहीं कर सकते। हाँ, जैसे जो लोग मांसाहार करते हैं, नशीले पदार्थ लेते हैं, अवैध संबंधों में को स्थापन करते हैं या जुआ आदि खेलते हैं, ऐसे लोग ओमकार का उच्चारण करने के लायक नहीं है। तो जो वेदों के ज्ञाता हैं और ये चार नियमों का पालन करते हैं, पाप नहीं करते हैं, ऐसे लोग ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी अगर देवी देवताओं के मंत्रों का उच्चारण करेंगे, तो वो देवी को देवता के मंत्र तब तक काम नहीं करेंगे जब तक मुंह और कान ओमकार का के कारण शुद्ध नहीं होते हैं। तो इस तरह से सारे मंत्रों में, सारे वेदों में सारे मंत्र ओमकार से चालू होते हैं। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, सारे वेदों में कौन हूँ, ओमकार हूँ, या फिर जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं उसमें मैं कौन हूँ, ओमकार हूँ। और फिर वो भगवान बोलते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। तो जो भी यज्ञ होते हैं, यज्ञ का मतलब क्या है, मुख्यतः लोग समझते हैं कि जो अग्नि में हम लोग जब कुछ सामग्री डालते हैं उसको ही यज्ञ कहते हैं। जो भी क्रिया भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए की जाती है उसको यज्ञ कहा जाता है। तो कोई भी काम किसके लिए किया जाए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाए, उसको कहते हैं यज्ञ। और सारे यज्ञों में भगवान क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं उसमें मैं कौन हूँ, जप यज्ञ हूँ। तो जैसे हम लोग जो जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। पहला, क्योंकि भगवान का नाम स्वयं है, इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे हमने बताया ओंकार का उच्चारण करने के लिए, मंत्र आदि उच्चारण करने के लिए बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए। भगवान कृष्ण भगवान राम का नाम लेने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान और भगवान की शक्ति का हम लोग नाम लेते हैं, इसलिए कोई भी कर सकता है। दूसरा बात क्या है, उसको उच्चारण करने के लिए कोई नियम नहीं है, कहीं भी कैसे भी, बल्कि मलमूत्र त्यागते समय भगवान का कोई नाम ले सकता है। और उसके द्वारा 24 घंटे व्यक्ति चाहे तो भगवान कृष्ण या भगवान राम को प्रसन्न कर सकता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान राम भगवान कृष्ण के नाम है और उनकी शक्तियों के नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण कृष्ण का नाम है, हरे मतलब कृष्ण की शक्ति, राधा रानी, हरे राम तो भगवान राम और भगवान राम की शक्ति। तो इस तरह से ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है बहुत शक्तिशाली है, और इसके माध्यम से हम 24 घंटे भगवान को क्या कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, क्योंकि वो जप यज्ञ कहीं भी किया जा सकता है, बहुत आसान है। और खासकर कलयुग में तो और कोई रास्ता ही नहीं है। तो एक ही तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का, वो क्या है, ये हरे कृष्ण महामंत्र। कले दोषे दे दे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम विजय। तो कलेर दोष ने दे राजन, जो कलयुग है वो तो दोषों की निधि है, सागर है। अगर आप यज्ञ करने के लिए कोई घी भी अर्पित करना चाहते हो तो पतला घी नकली है। अग्नि के लिए आप लकड़ी अगर अर्पित करना चाहते हैं, जो लकड़ी चाहिए पता है, लोग कोई और लकड़ी दे देंगे आपको ठग के। पंडित वो नहीं आजकल हैं जो अच्छे से मंत्रों का उच्चारण कर सके, वो लोग भी शॉर्टकट मार देते हैं, उच्चारण करना नहीं जानते हैं, विधि विधानों को लोग ठीक से जानते नहीं हैं। तो उस तरह कलयुग में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी जटिलताएं हैं, लोग भी गरीब हैं, उतना धन नहीं है लोगों के पास कि दान रक्षा ठीक से कर सके। तो कलयुग दोषों की निधि है, दोषों का सागर है, लेकिन उसमें एक अच्छा गुण है, वो क्या है, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम विजय। मात्र कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से व्यक्ति
भाव सागर से मुक्त हो सकता है, मुक्त संगा और परम व्रजे। और कहाँ जा सकता है वो? उस परम धाम को प्राप्त कर सकता है, कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकता है, मात्र भगवान के नाम का उच्चारण करके। इस तरह से भगवान बोलते हैं सारे जपों में मैं कौन हूँ, जपयज्ञ हूँ। और ये और भगवान बोलते हैं स्थावरा नाम हिमालया, और सारे जो चीजें स्थावर हैं, जो मतलब अचल हैं, जो हिलती नहीं है यहाँ से वहां, उसमें मैं कौन हूँ, हिमालय हूँ। क्योंकि हिमालय कोई यहाँ से वहां पर हिला नहीं सकता है, तो इस तरह से भगवान बोलते हैं उसमें मैं हिमालय हूँ। तो इस तरह से यदि हम हिमालय को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, तो हमको याद आना चाहिए कि ये सारी शक्तियां कहाँ आ रही हैं, कृष्ण से आ रही हैं। तो इस तरह से जब हम जीवन में अलग अलग चीजों को देखते हैं तो उनको देख के हमको कृष्ण की याद आनी चाहिए। तो इसलिए भगवान ये अलग अलग उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप चंद्रमा को देख रहे हैं, याद आना चाहिए नक्षत्र नाम अहम शशि, नक्षत्र में मैं कौन हूँ, चंद्रमा हूँ ना। सूर्य को देख रहे हैं तो याद आना चाहिए कि ज्योतिषा मतलब जो भी ज्योति देने वाले चीजें हैं उसमें मैं कौन हूँ, रवि, उसमें मैं सूर्य हूँ। तो इस तरह से हर चीज को देख के किसकी याद आनी चाहिए, कृष्ण की याद आनी चाहिए। तो इस तरह से हर चीज को देख के हमको कृष्ण की याद आनी चाहिए, और साधारणतः हमें हरे कृष्ण महामंत्र करके हमें करके कृष्ण को याद कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन शब्दों के साथ में हम यहाँ पर कथा को विराम देंगे। श्रीमद् भगवद्गीता की जय।